तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारे विंडो का पल्ला को जो कि यहाँ पे हमने लाइन से कुछ इस तरह से रख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो ये सारे विंडो पल्ला पे हमने सैंडपेपर एक बार मारकर हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो अभी दोस्तों इस पर हम पेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने पेंट जो करने के लिए हमने ये लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बार्जर कम। देख सकते हैं हमने जो कि सारे विंडो पल्ला पे जो कि एक बार हमने पेंट करके कंप्लीट कर लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने काम के साइड पे। तो आज मैं दोस्तों क्या काम करने वाला हूँ वो चले मैं आपको जो कि बैक कैमरा करके एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो ये सारे विंडो का पल्ला बना के जो हमने चौका टुकड़ा पे तैयार फिटिंग करके रेडी करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आज हम जो इसको कलर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पर हम जो कि वार्निश वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पर जो कि पेंट मारने वाले हैं। तो दोस्तों हम इस पर पेंट मारने से पहले जो कि एक बार इसके प्राइमर मारेंगे। प्राइमर एक बार मार कर रखेंगे। तो प्राइमर मारकर सूख जाने के बाद जो इसको हल्का सा सैंडपेपर मार के फिर उसके बाद जो इस पर पेंट कलर करेंगे। तो इसको पेंट करने के बाद जैसा हम इस विंडो पल्ला भी पेंट करेंगे और साथ ही हम इसके चौकट में भी जगह दोनों चौकट पे भी पेंट करने का काम शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहे दोस्तों वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस विंडो को मैंने किस तरह से बना के यहाँ तक तैयार किया हुआ है, अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो तभी हम इसको दोस्तों इसके कलर वगैरह करके कंप्लीट करने के बाद ही जो कि हमने गिलास भी लेकर रखा हुआ है, गिलास तब भी लगाएंगे। गिलास हैंडल इसका हैंगेज वगैरह जो भी है कलर करके कंप्लीट होने के बाद ही लगाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारे विंडो का पल्ला को जो कि यहाँ पे हमने लाइन से कुछ इस तरह से रख दिया है। तो अब इस पर जो है कि सबसे पहले हम प्राइमर लगाने वाले हैं। तो प्राइमर लगाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे ये हमने बर्जर कंपनी का प्राइमर लेके रखा हुआ है, वाइट प्राइमर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये एक ब्रश ले लिया है 2.5 इंची का। तो चलिए अब दोस्तों सबसे पहले हम इस पर प्राइमर मारने का काम जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने एक विंडो पल्ला पे जो कि प्राइमर मार के कम्प्लीट कर लिया है देख सकते हैं। तो अभी अभी हमने मारा इसलिए सूखा नहीं इसका, तो इसलिए थोड़ा सा कलर अलग देख रहा है। जो सूख जाने के बाद पूरा व्हाइट दिखने वाला है। तो आप चलिए दोस्तों बाकी और बाकी सारे पीस को भी विंडो पल्ला जितने हैं वो सारे प्राइमर मार कर करते हैं कम्प्लीट। फिर इसको हम थोड़े से सूखने के लिए देंगे। सूखने के बाद जो है इस पर पेंट करने करेंगे। तो बने रहे दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो कि ये पाँचों विंडो पल्ला पे जो कि प्राइमर मार के हमने कंप्लीट कर लिया है देख सकते हैं। कुछ जैसे हो गया हमने प्राइमर मार के कंप्लीट करके। तो दोस्तों अभी इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए देते हैं। ये सूखने जब तक सूख जाता है तब तक मैं जो कि दोस्तों चौका टुकड़ा पे प्राइमर मार लेता हूँ। चौका पे भी प्राइमर मार के कंप्लीट करेंगे। तो चौका पर कंप्लीट करते तक दोस्तों ये शायद सूख जाएगा। तो अभी इसको हम थोड़ा सा धूप उस तरफ धूप में रख देंगे सूखने के लिए। तब तक हम इसको चौका पे प्राइमर मारने का काम करते हैं। तो चलिए फटाफट इस पर भी चौका पे प्राइमर मार के करते हैं कंप्लीट। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा विंडो पल्ला पे जो कि प्राइमर मार के जो रखा हुआ था वो फाइनली अभी सूख गया है। तो हमने दोस्तों इस विंडो पल्ला जितने भी ने वो सारे हमने प्राइमर मारने के बाद जो कि हमने बाहर लेकर धूप में जो रख दिया था उसको जो कि सूख गया है। फिर इसे हमने सूखने के बाद हमने कि अंदर लेके आ गया हूँ। तो इसके दोस्तों अभी हम जो कि हल्का सा सैंड पेपर मारेंगे, हल्का सा सैंड पेपर मार के फिर उसको इसमें पेंट कलर करने वाले हैं। और हमने जो कि देख सकते हैं, हमने चौकट पे भी जो है कि हमने प्राइमर मार के कंप्लीट कर लिया है। हमने विंडो पल्ला दरवाजा विंडो और दरवाजा के चौकट पे हमने मारकर फाइनली कंप्लीट कर लिया देख सकते हैं। तो हमारे चौकट पे भी जो प्राइमर मारा वाला सूख गया है। तो अभी दोस्तों चलिए इसको पेंट करने का काम करेंगे। तो हम पहले इसको हल्का सा सैंड पेपर मारेंगे पहले। चलिए आप लोग बनाए दोस्तों।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो ये सारे विंडो पल्ला पे हमने सैंड पेपर एक बार मार कर हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो अभी दोस्तों इस पर हम पेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने पेंट जो करने के लिए हमने ये लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बार्जर कंपनी का पेंट जो हमने ये गोल्डन ब्राउन में लिया है, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन पेंट। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इसको फटाफट से पेंट करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों इसको, इस विंडो पल्ला को जो कि पेंट करने के बाद दिखता कैसा है, कितना ज़्यादा जो कि अच्छा दिखने वाला है। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो पे और देखिएगा दोस्तों आप लोग कि एक विंडो पल्ला पर पेंट किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों हमने इस विंडो पल्ला पे जो हमने पेंट करने के लिए जो इसका हैंडल वगैरह, इसके हैंगर्स, ग्लास कुछ भी नहीं लगाया, हम इसको फाइनली कलर करके पूरी तरह से जो है कि हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ही जो है कि इस पर ग्लास ग्लास हैंडल, इसका हैंगर्स वगैरह जो भी है वो लगाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक विंडो पल्ला पे जो कि एक बार पेंट करके हमने रेडी कर लिया है। देख सकते हैं दोस्तों एक बार पेंट किया फिर भी दोस्तों कितना अच्छा और ग्लेजिंग नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस पर हमने एक ही बार पेंट किया, अभी इसको जो कि एक बार पेंट किया वाला सूख जाने के बाद फिर से हम इस पर और दो बार करेंगे। तो दोस्तों दो बार और करेंगे यानी कि तीन बार करेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो कि स्मूथ होने वाला है। तो हमने अभी एक ही बार किया हुआ है, तो एक बार करने से क्या होता है दोस्तों, अभी एक बार कहते देख सकते हैं हल्का सा जो कि पाइमर वाला सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो अगर भी इसको और दो बार मारेंगे ना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा और ग्लेजिंग अच्छा दिखने वाला है। तो चलिए आप दोस्तों और बाकी सारे पल्ले पे भी जो है कि प्राइमर तुम्हारा हो जाएगा पेन मारकर करते हैं कंप्लीट। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो कि सारे विंडो पल्ला पे जो कि एक बार हमने पेंट करके कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया एक बार पेंट करने के बाद। तो दोस्तों हमारा विंडो पल्ला पे तो पेंट करके हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी इसके जो है कि चौकट पे हमने पेंट किया हुआ अभी नहीं है। तो आप चलिए दोस्तों चौकट पे पेंट करने का काम करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये विंडो पल्ला तो पेंट करके हो चुका है, लेकिन अभी इस पर दोबारा पेंट करने का अभी नहीं होगा, इसको हम एक दिन सूखने के लिए देंगे, एक दिन बाद ही इसको जो है कि दोबारा से पेंट करना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं सूख जाता तब तक दोबारा पेंट करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। एक बार ये सूख जाने के बाद इसमें हल्का सा साइड सैंड पेपर मारना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हल्का सा बालू वगैरह लगा हुआ, गुटी उठे बबल्स उठे होंगे, तो उसको हल्का सा सैंड पेपर मार के फिर से दोबारा अच्छी तरह से इसको पेंट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसके चौकट पर भी पेंट करके करते हैं कम्प्लीट। देख सकते हैं दोस्तों मैंने फाइनली जो है कि इस विंडो पल्ला पे कलर करके पूरे से हमने कम्प्लीट करके रख लिया है। और साथ साथ हमने जो है कि देख सकते हैं विंडो का चौकट पे भी जो कि हमने विंडो का चौकट और साथ हमने दरवाजे का चौकट पे भी हमने जो है कि पेंट करके हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं उसी तरह से हमारा
पहन करके पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों अभी हम इसको जो है कि एक दिन सूखने के लिए देंगे, एक दिन सूखने के बाद ही फिर से हम इस पर दोबारा से पेंट करने वाला हूँ। और दोस्तों और इस तरफ देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो दो दरवाज़ा का फ्रेम मतलब दरवाज़ा का पल्ला हमने दो बना के रखा हुआ है, तो दोस्तों इसको भी जो है कि कलर करके फिटिंग करने का काम है। तो दोस्तों इस पर तो हम पेंट नहीं करेंगे, इस पर हम वार्निश कलर करने वाले हैं, तो इस पर भी किस तरह से वार्निश किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों और इस दरवाजे को मैंने किस तरह से बनाया है, अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो है कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। और साथ साथ इस विंडो पल्ला को भी मैंने किस तरह से बनाया वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तो आज के लिए बाय बाय।